एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। हमारा आज का ये वीडियो जीके शॉर्ट ट्रिक सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जीके सारे एग्जाम में आता है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए शुरू करते हैं। हम आपको आज के अपने इस वीडियो में जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक देंगे। जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं उनको याद करना है आपको कि कितने रोग होते हैं। तो ट्रिक देखिए, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। ये क्या हो गया हमारा ट्रिक। यहाँ पे मैंने का को रेड कर दिया है क्योंकि का से कोई वर्ड नहीं बनेगा, बाकी सबसे हमारे बन रहे थे इसलिए मैंने का को रेड कर दिया है। इसे पूरा याद करिए, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि कैसे रोगों के नाम बनते हैं। तो टी से क्या हो जाएगा, टिटनेस। टिटनेस कैसे होता है, जीवाणु से होता है टिटनेस, जिसको कि हम लोग हिंदी में धनुस्तंभ बोलते हैं। ठीक है, टिटनेस का हिंदी नाम होता है धनुस्तंभ। और टी से ही बन जाएगा हमारा टीबी। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे क्षय या तपेदिक रोग भी बोलते हैं। अब देखिए क, कु, कु से हो जाएगा हमारा कुष्ठ रोग यानी कि कोड। फिर सी से हो जाएगा सिफिलिस यानी कि फिरंग रोग। डी से आता है डिप्थीरिया। मे से आएगा मेनिंजाइटिस। ब से आएगा बोट्यूलिज्म यानी कि भोजन विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग। नी से आ गया हमारा निमोनिया। है से हो गया हैजा। प से हो गया प्लेग। और टा से हो गया टाइफाइड। टाइफाइड को मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, टिटनेस, टीबी, कुष्ठ रोग। टिटनेस और टीबी दोनों अलग अलग रोग हैं। ये टी से दो रोग बनते हैं इसलिए दोनों मैंने साथ में लिख दिया है, टिटनेस, टीबी, और फिर कुष्ठ रोग, सिफिलिस, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, बोट्यूलिज्म, निमोनिया, हैजा, प्लेग और टाइफाइड। ये हो गए हमारे इतने सारे रोग जो कि हमारे जीवाणुओं से आते हैं। और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।